हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज मैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में बात करने वाला हूँ। छुपा हुआ बफर सॉल्यूशन। कई बार स्टूडेंट्स जब आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जेई और एडवांस्ड में कई बार क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट जब नहीं होता, थोड़ा ऑब्सक्योर्ड बफर होता है, छुपा हुआ बफर होता है, दिखना दिखने वाला बफर होता है, तो वो ना दिखने वाले दुश्मन की तरह होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स पहचान नहीं पाते और पहचान नहीं पाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि ये केस कौन सा है, तो फिर आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम बफर को कैसे पहचाने। एक बात तो जैसे आपको पता है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर बफर बनाते हैं प्रोवाइडेड एसिड या बेस वीक हों। तो वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस इज अ बफर सोल्यूशन, और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड विल बी ए बफर सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंजुगेट एसिड डू नॉट फॉर्म बफर सोल्यूशन। तो उस छुपे हुए बफर के बारे में मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेके बात करूँगा। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही, और ये बहुत अच्छा मैसेज देने वाला भी है अबाउट द बफर सोल्यूशन। क्या क्वेश्चन? बड़ा सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन। अब मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि 1 लीटर ऑफ 0.2 mL एन ए 3PO4 प्लस 1 लीटर ऑफ पॉइंट, मान लो कुछ बोल दिया जाए, 3 mH3PO4 मिक्स कर दिए गए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यू गॉट इट, फाइंड pH। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH बतलाओ। ये क्वेश्चन होते हैं, कई बार डेटा दिया हुआ होता है K1 10^-4, K2 10^-8, K3 10^-11 फॉर H3PO4। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत छोटा सा सवाल है कि 1 लीटर ऑफ 0.2 mL Na3PO4 एंड 1 लीटर ऑफ 0.3 mL, ये 0.2 mL, ये 0.3 mL H3PO4 को मिक्स कर दिया बफर तो मैं बताऊंगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच, कहीं इन्होंने बफर का नाम नहीं लिया। हाँ, आपको डेटा दे दिया जो भी क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में पहली बात तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। Na3PO4 एंड H3PO4 आर नॉट कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बिल्कुल नहीं है, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो फिर तो रिएक्शन होगी। इफ दे आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, नो केमिकल रिएक्शन विल अकर, दे कैन रिमेन इन सॉल्यूशन इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट यदि अगर कंजुगेट बेस पेयर नहीं है तो दे विल अंडरगो रिएक्शन, और रिएक्शन होगी तो फिर पीएच वीएच तो बाद में देखेंगे, पहला काम होता है रिएक्शन कराना। तो रिएक्शन कराओ, Na3PO4 की रिएक्शन कराओगे H3PO4 के साथ में। एक काम करो, Na3PO4 में Na+ का तो कोई रोल है नहीं, PO4 3-, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे। 1 लीटर 0.2 तो 0.2 मोल्स आर प्रेजेंट, 1 लीटर इंटू 0.3 तो 0.3 मोल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, HPO4 2- प्लस H2PO4-, H3PO4 के डेरिवेटिव से ही सब, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, पूरा खत्म हो गया। सर, ये कैसे पता चला कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है और पूरी चली जाएगी फॉरवर्ड में? दैट ऑल्सो यू कैन शो। आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालो, तो क्या लिखोगे, HPO4 2- H2PO4- अपॉन PO4 3- एंड H3PO4। ऐसे लिखोगे आप एक काम कर लो, H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, जरा देखना, जरा देखो ये कौन है, ये भाई साहब कौन है, कौन है ये भाई साहब? दिस इज नथिंग बट K1 ऑफ H3PO4। और ये कौन है, ये वाले भाई साहब, ये वाले, ये क्या है, 1/K3। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज K3, और K1 की वैल्यू है 10^-4, K3 की वैल्यू है 10^-11, नियर ये आ गई 10^+7। देखियो जरा वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली लार्ज, ये इतनी लार्ज वैल्यू है, यू कांट स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन विल गो कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रोक नहीं सकते रिएक्शन को।
रिएक्शन तो पूरी जाएगी फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब ये 0.2 मोल था, पूरा खर्च हो गया, लगभग पूरा खर्च हो गया, इसमें से 0.2 मोल खर्च हुआ तो ये 0.1 मोल बचा, ये कितना बना फिर 0.2 मोल से, ये भी 0.2 मोल एंड ये भी 0.2 मोल। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है, H3PO4, HPO4 2- एंड H2PO4-। अच्छा H2PO4- एंड HPO4 2- ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जिनमें वन प्रोटॉन का डिफरेंस हो, बट H3PO4 एंड HPO4 2- आर नॉट द कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और यदि कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है तो रिएक्शन तो होगी, रोक नहीं सकते, अगेन रिएक्शन भी लगकर बचा हुआ H3PO4 और ये ताजा बना हुआ HPO4 2-। जब ये रिएक्शन होगी तो बनेगा H2PO4-2, ये बना कितना था, ये 0.1 मोल, ये कितना था 0.2 मोल। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसमें से 0.1 खर्च हुआ, 0.1 मोल बचा और ये कितना बना, दिस इज 0.2 मोल। पुराना भी पड़ा हुआ है H2PO4-, तो जरा देखना मोल्स ऑफ H2PO4-। अब सॉल्यूशन में कितने हैं, 0.2 मोल प्लस 0.2 मोल 0.4 मोल, राइट। जरा देखना HPO4 2- के मोल्स कितने हैं, दैट इज 0.1 मोल, और सॉल्यूशन में यही दोनों स्पीशीज हैं। अब पानी तो ऑफकोर्स है ही, क्या है ये, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या है ये, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ऑब्वियसली हेंडरसन इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल, बफर सॉल्यूशन है ये, सो दिस विल फॉर्म बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन कितना छोटा सा था, गहराई देखो क्वेश्चन की। अब हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर लो, तो pH इज इक्वल टू, अगर ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस है, और एसिड अगर H2PO4- है तो सेकेंड डिसोसिएशन लेंगे H3PO4 का कितना, 10^-8, तो pKa 2 प्लस log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट HPO4 2- अपॉन H2PO4-। जरा देखना pKa 2 8 प्लस log ऑफ HPO4 2-, मोल्स कंसेंट्रेशन का रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो है, क्योंकि वॉल्यूम एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं ना, तो वॉल्यूम इज कॉमन, तो रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन इज सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो जरा देखना HPO4 2- के मोल्स कितने, 0.1 अपॉन 0.4 1/4 8- log 4, log 4 की वैल्यू नियरली 0.6, तो 7.4 इज द आंसर, दैट्स इट। यही है pH ऑफ द सॉल्यूशन, यही है pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बात सीखी आपने, कंजुगेट एसिड बेस पेयर लार्ज कंसेंट्रेशन में साथ साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, बट यदि कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड, देन जैसे ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं थे, फिर ये दुश्मन हैं एक दूसरे के, रिएक्शन करेंगे, pHCH तो बाद में देख लेंगे, पहला काम है आप इनके रिएक्शन कराओ, रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट में भी एक बात देखो H3PO4 अभी भी बच गया और साथ में HPO4 2- बना है, ये फिर दुश्मन है, ये अगर एसिड है तो ये उसके मुकाबले में कंजुगेट बेस हो गया, नहीं कंजुगेट बेस नहीं, बेस हो गया, फिर रिएक्शन मारेंगे, मार दी रिएक्शन एक बार और फाइनली दिस इज द कॉम्पोजिशन, नाउ दे आर बियरिंग द रिलेशनशिप कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन, यू गेट योर आंसर। तो ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जब जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, देखो मैं टाइम में बाउंड नहीं हूँगा इसमें कि मैं हर रोज़ डालूँ या हर हफ्ते डालूँ, बट जब जब मुझे थोड़ा सा समय मिलता है और दिमाग में कोई चीज़ क्लिक करती है, कोई एक फ्लैश आइडिया आता है कि चलो बच्चे को ये बताते हैं, तो आई विल लेट यू नो ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू गाइज़।